आदिवासियों की बहुत विरासत है, उस पर नाजायज कब्जा ब्राह्मणों का करवाया जा रहा है। इसलिए हम आज 22 जनवरी को काला दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। बीजेपी सरकार संविधान के विरोध में जाकर जो राम को प्रस्तावित कर रही है, ये राम पुष्यमित्र सुंग है। पुष्यमित्र सुंग ने यहाँ बौद्धों का कत्लेआम करवाया था। 22 जनवरी, 22 प्रतिज्ञा। मैं रूप सिंह कश्यप, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बरेली। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब ने कहा था कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया जाएगा, उस दिन हम काला दिवस मनाएंगे, तो आज हम काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की सरकार के द्वारा हमारी जो बौद्ध विरासत है, मूल निवासियों की जो बौद्ध विरासत है, उस पर नाजायज कब्जा ब्राह्मणों का करवाया जा रहा है। इसलिए हम आज 22 जनवरी को काला दिवस मना रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद। मैं एडवोकेट डीपी सिंह बौद्ध बरेली से हूँ, और आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी 1947 को भारत के संविधान की प्रस्तावना पास हुई थी, और बाबा साहब ने सन 1956 में हमारे समाज के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी। उन 22 प्रतिज्ञाओं में हम विश्वास करते हैं। 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा है कि राम कृष्ण को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, आराधना नहीं करूंगा। तो आज जो है बीजेपी सरकार संविधान के विरोध में जाकर जो राम को प्रस्तावित कर रही है, ये राम पुष्यमित्र सुंग है। पुष्यमित्र सुंग ने यहाँ बौद्धों का कत्लेआम करवाया था। हम उस पुष्यमित्र सुंग को नहीं मानते हैं और नहीं मानेंगे। हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानने वाले हैं, और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानते रहेंगे। 22 जनवरी 22 प्रतिज्ञाएं जिंदाबाद। 22 जनवरी 22 प्रतिज्ञाएं जिंदाबाद।